সো হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি এসেছি উজ্জয়িনীর লোকাল ট্যুর করতে। এই লোকাল ট্যুরটি আমি খুবই কম খরচে এবং লোকাল ট্যুরিস্ট বাসে সম্পন্ন করব। জয় শ্রী মহাকাল। এখন আজকে আমাদের প্ল্যান, সকালে আমরা লোকাল বাস ট্যুর করবো। এই সামনে ক্যানোপি টেন্ট পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন, ওখান থেকে টিকিট কাটানো হয়। জয় শ্রী মহাকাল, জয় শ্রী মহাকাল, জয় শ্রী মহাকাল। রয়্যাল ট্রাভেলস वाला भी मिलो, রয়্যাল ট্রাভেলস से भाई साहब। अच्छा अच्छा, यहां एसी बस। अच्छा, इनका एसी बस का है। अच्छा अच्छा, अपना आप लोगों का क्या रेट क्या रहता है उज्जैन लोकल टूर का? अपना लोकल का ये ₹100 पर पर्सन, ₹100। और ओमकारेश्वर का जैसे करना, ओमकारेश्वर का नॉन एसी ₹350, एसी ₹520, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मिला के। तो वहां कितने देर रुकेंगे हम लोग? वहां 4 घंटे रुकती है बस। 4 घंटे रुक, 4 घंटे जाने के, 4 घंटे आने के, प्लस 4 घंटे में दर्शन के लिए। 4 घंटे में दर्शन के लिए। अच्छा, 12 घंटे टोटल ट्रिप रहेगा। इनका भी बोला, इनका भी लो वीडियो। हेलो मैम, मैम आपका क्या लोकल टूर का बस है? लोकल के यहाँ मैं उज्जैन दर्शन को ऑपरेट करती हूँ। अच्छा अच्छा जी मैम, तो आपका कितना टाइम का टूर रहता है मैम? ये हमारा रहता है सर 5 घंटे का। 5 घंटे का टूर। अच्छा, 9 बजे से, मतलब 9 से आप समझे हम 2-2.5 बजे आपको फ्री करते हैं पूरा दर्शन कराने के बाद। अच्छा, तो मैम गाइड क्या बस में रहेंगे? बिल्कुल सर, हमारा जो कंडक्टर रहता है वो आपको बराबर तरीके से गाइड करता है, हर मंदिर में उतारेगा और आपको बताएगा कि ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। अच्छा, पूरा डिटेल में बताते हैं वो। ओके, ₹100 है मैम इसका फेयर। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम ये गवर्नमेंट वेबसाइट है क्या? गवर्नमेंट का है क्या ये? नगर पालिका निगम उज्जैन, नगर पालिका निगम का है। अच्छा अच्छा अच्छा, এখন আপনাদের সাথে কথা বলালাম আমি ওখানে, টিকিট যেখানে কাটছে। লোকাল ট্যুরের জন্য আপনাদের থেকে বাসে যদি করেন তাহলে ₹100 ভাড়া পড়বে, আর যদি অটোতে করেন তাহলে 450-500 এরকম টাইপের রেট নেওয়া হয়। এটাতে বললো লোকাল বাস ট্যুরে ড্রাইভার কন্ডাক্টর থাকবেন, কন্ডাক্টরই আপনাদেরকে বোঝাতে থাকবেন। কালকে আমি টিকিট কেটে নিয়েছিলাম এখানকারের, তো আমি একদম বোনেট সিট চুজ করেছিলাম, তো আপনি যদি তাড়াতাড়ি কাটান তাহলে আপনার সিট একটু ভালো পেয়ে যাবেন। তো চলুন এখন বাসের দিকে যাওয়া যাক, দেখা যাক। বললো বাস ওখান থেকে প্রায় 100 মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে, তো বাসের ওখানে গিয়ে দেখা যাক কোন বাস আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমরা পৌঁছে গেছি বাসের সামনে, বাস ছাড়ার সময় 9টা, আমাদেরকে 8:30-এর মধ্যে রিপোর্টিং করতে বলেছিল, আমরা এসে গেছি 8:30-এর মধ্যে। তো এই যে সামনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এই বাসটাই আমাদের লোকাল ট্যুর করাবে। চলুন বাসের ভেতরটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাই। দেখুন বাসটি কত সুন্দরভাবে নানান দেবদেবীর চিত্র দ্বারা সাজানো হয়েছে। বাসটি দেখার পর ঘোড়ার আনন্দ আরও বেড়ে গেল। ॐ त्रयम्बकमजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं रुरारुक्मिं वन्नान् मत्स्योर्मुक्तिम् अमृतात् महाकाल बाबा रक्षा करी सन्निधे। क्या बेस्ट लगा दूं? हाँ हाँ हाँ, सुंदर लगे ऐसा? बिल्कुल। बाबा महाकाल अपना पूर्ण करना, बाबा त्रिकाल धरती जय, कालो काल महाकालेश्वर बाबा जय। जय बाबा महाकाल, त्रिकाल धरती जय श्री महाकाल। चिंतामन चिंता हरे सिप्रा करे निहाल, महाकृति मनोकामना पूर्ण करे कृपा करे महाकाल। जय बाबा महाकाल, कृपा करना बाबा, आपके दर्शन के लिए आए नाथ, विकाल धरती जय। जय श्री महाकाल। আটার মধ্যে আমাদের বাস এখন ছেড়ে দিয়েছে। সব থেকে প্রথমে আমরা যাচ্ছি শনি মন্দির। সব থেকে শনি মন্দির যাবেন আপনি? হ্যাঁ ভাইয়া, মন্দির শনি মন্দির রয়েগা। আচ্ছা, আর হর মন্দির কি জানকারি মিলতে রয়েগা আপকো না? জি জি ভাইয়া, সারে মন্দির মে জো ঐতিহাসিক মন্দির হ্যায় উসকি সবকি জানকারি মিলতে রয়েগা। আচ্ছা আচ্ছা, পর যে ওর কিছু ভি ফোটো ওয়ালা ছেড় দিয়ে তো বলতা ইনি মন্দির ই হ্যায় ওর কিছু নি হ্যায় মন্দির ইনি সব কিছু সব আর ছোড়া তো পাঁচ সাত। দেখো ভাইয়া, আপ सब पहले उतरने के पहले जो भी मंदिर जाएंगे उसकी जानकारी आप लेके उतरना, जल्दीबाजी मत करना, आराम से दर्शन करो और आराम से आओ, जल्दी नहीं है। पहला मंदिर अपना शनि मंदिर रहेगा, 15 से 20 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे। जूते चप्पल बैग आपको गाड़ी में ही रखना है, मोबाइल पर्स का ध्यान रखना, अभी 2-3 दिन से चोरी ज़्यादा हो रही है ना, तो मोबाइल पर्स का ध्यान रखो, बाकी गाड़ी में से आपका सामान कहीं नहीं जाएगा, हम गाड़ी में ही रहते हैं।
पहला मंदिर शनि मंदिर रहेगा। आपने यूं तो शनि मंदिर को शिला के रूप में देखा होगा, पर यहाँ की जगह जो कुबेर के रूप में बने हुए हैं, तो लेडीज भी ऊपर जाके दर्शन कर सकती है। 20 से 20 मिनट लगेंगे आपको दर्शन करने में, करके आ जाओ, गाड़ी यहीं खड़ी है। सब থেকে প্রথমে আমরা এসে গেছি শনি মন্দিরে। শুনো শনি মহারাজ কি জয়। দেখিয়ে ভারত কি বিশ্ব কি একমাত্র ভূমি স্বরূপ ভগবান শ্রী দেব উজ্জয়িনী में विराजमान है। इनके दर्शन करने पे शनि की साथ-साथी दैया अवंती में तुरंत लाभ मिल जाता है। नौ ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। नौ ग्रह में रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नौ ग्रह हैं। 12 राशियों में मेष बसंत मिथुन कर्क कुंभ मीन आदि 12 राशियां हैं। 3 राशि पर हमेशा साथ साथी चलती है, 2 राशि पर ढैया है। वर्तमान में कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि पर साथ साथी चल रही है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव। जब भी भगवान शनिदेव किसी की राशि में, किसी के जीवन में, किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो 2 प्रकार के प्रभाव ज्यादा उत्पन्न होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। जब अच्छे स्वरूप में भगवान शनिदेव किसी की राशि में आते हैं तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। सोचे सोच नहीं पाए, करे कर नहीं पाए, मट्टी में भी हाथ डालने पे सोना बन जाता है, करोड़पति भी करोड़पति बन जाता है और उसके जीवन के सारे काम सरपट गति से होते हैं। लेकिन जब भगवान शनिदेव किसी की राशि में, किसी के जीवन में वक्री रूप में, पनौती के रूप में या क्रोधी स्वरूप में आ जाते हैं तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसमें गृह क्लेश, कला की समस्या, व्यापार बंद होना, नौकरी जाना, एक्सीडेंट होना, अकाल मृत्यु जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का समाधान शास्त्रों में छायादान का प्रयोग बताया गया है। छायादान का प्रयोग करने के लिए समस्या दूर होती है। ये किस चीज़ के लिए होती है? ये आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों तरीके से काम करता है। लोहा हमारी बॉडी को आयरन की क्षतिपूर्ति भी पूरे करता है और ये यहाँ पे है, यहाँ मंत्रों के द्वारा सिद्ध होता है। तंत्र मंत्र कोई किसी तरीके की परेशानी जैसे कोई बीमारी बीमारी है, कोई कष्ट हो रहा दूर हो। तो सर जी अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चिंतामणि गणेश मंदिर। देखिए अभी आ गए अपन चिंतामण गणेश मंदिर। इस मंदिर की स्थापना श्री प्रभु श्री राम ने करी थी जब वो वनवास के लिए आए थे। अंदर 3 मूर्ति के दर्शन में एक ही जगह 3 मूर्ति है, इच्छामण, सिद्धि विनायक और चिंतामण। ये तीनों के आपको दर्शन करके 20 मिनट का टाइम लगेगा, 20 मिनट आपको नाश्ते के लिए मिलेगा, इसको भी नाश्ता करना कर सकते हैं। काल भैरव के बाद में आपको आधे घंटे का लंच का टाइम मिलेगा। चप्पल जूते आपको पहन के जाना तो पहन के जा सकते हैं, जूते चप्पल का ये बैग आपको गाड़ी में रखना होगा और मोबाइल का ध्यान रखना कि यहाँ लाइन लगेगी। तो कहाँ से अभी आप? मैं उदयपुर से हूँ सर। उदयपुर से हैं, अच्छा। तो कैसा लग रहा आपको उज्जैन घूम के? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। तो महाकालेश्वर के दर्शन हो गए? हाँ, बस मारती, महाकालेश्वर के दर्शन दोनों चीजें। अच्छा, बस मारती हो गया आपका? अरे वाह, मारती भी हो गया था। तो इसके लिए टिकट आप कब कटाए थे? हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट करवाई थी। अच्छा, 14 दिन पहले। 14 दिन पहले, अच्छा। जी, से हमको टिकट मिल गया। टिकट के बाद कल आज रात में दर्शन हो गए थे पूरे अच्छे से। जी जी, वेरी गुड। मतलब मजा आया? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो पहले आप आए हैं उज्जैन? फर्स्ट टाइम। अरे वाह, सेकंड ज्योतिर्लिंग। अच्छा, सेकंड ज्योतिर्लिंग, पहला कौन सा था? पहला त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर, अरे वाह, शुरुआत वहाँ से की। चलिए, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अच्छा, महाविश्राम किया था उन्होंने। जी जी जी, उनके पिताजी का पिंड दान हुआ था सिद्धवट मंदिर में। अच्छा, यहाँ आए थे ऐसा बताते हैं। जी जी, यहाँ सीता जी को प्यास लगी, लक्ष्मण जी ने तीर मारा, इसलिए लक्ष्मण बावड़ी नाम है इसका, वहाँ लिखा हुआ है। जी जी जी, यहाँ से पेड़ बद के चिंतामणि, इच्छामणि और सिद्धि विनायक का पूजन हुआ, वहाँ 3 गणेश से नीचे। जी जी जी, है ना, उन्होंने अपनी चिंता छोड़ी इसलिए उनका नाम चिंतामणि गणेश है। उनके दर्शन के बाद यहाँ दर्शन करना पड़ते हैं, तभी दर्शन का पुण्य लाभ मिलता है। अच्छा, हाँ। जी जी, ये गणेश जी है ना, नीचे बैठे थे, इनकी स्थापना ऊपर करी है। अच्छा, अभी नीचे जाना बंद कर दिया गया? क्या है कि बहुत 120 सीढ़ी है, बहुत गहरा है। अच्छा, ये देखो ना, जी जी जी, देखो आप, सही बात है भाई, कितना सुंदर लग रहा है। पुरानी चीज कहाँ मिलती है भाई? आप तो ये नहीं मिलता कुछ भी, ये मान्यता वाला है। यहाँ शादी संबंध में बाधा आती है तो कागज डोल्डे भी बांधते हैं यहाँ पे।
अच्छा, ये शादी संबंध वाला है ये बंदे ना कोड़ी वाले हैं। जी 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 जी, काम होने के बाद यही बांधा जाता है। अच्छा अच्छा, थोड़े से आके यही खोल के यही बांधते हैं। अच्छा, तो बच्चे का सम्मान नहीं हो रहा था, क्या करना? उसके लिए स्वस्तिक बना दो, उल्टे हाथ ये मनोकामना के लिए स्वस्तिक बनाए जाते हैं। उल्टे हाथ से उल्टा बनाते हैं क्या भैया? उल्टे हाथ से उल्टा बनाते हैं। दूध, दही, चावल, नारियल, ये चार चीज में से एक चीज नहीं खाना। अच्छा, इसके अंदर सब समस्या का हल है। कोई का कोर्ट में केस चल रहा है, फैसला नहीं हो रहा, कोई पैसे नहीं दे रहा है। जी जी, है ना, कोई बच्चा बोल नहीं रहा है, कोई शादी नहीं हो रही है, कोई की नौकरी नहीं लग रही है, कोई का मकान नहीं बन रहा, उन सब समस्या का हल उस स्वस्ति के अंदर है। अच्छा, ये हर जगह सिंदूर से बनाते हैं उसको। जी जी जी, उल्टा हाथ से उल्टा बनता है, काम होने के बाद फिर सीधा बनाया जाता है। अच्छा, फिर जो भी अपने से बने भगवान को लड्डू वगैरह चढ़ाया जाता है। जी जी जी, है ना। तो ये क्या शादी करने का दूल्हा दुल्हन तुरंत यही आते हैं, मतलब पहले दर्शन करने के लिए? अच्छा, तो यहाँ पे फिर क्या पूजा वूजा कुछ कराते हैं? अच्छा अच्छा, नई गाड़ी लेके आओ तो वहाँ पे भी पहले। अच्छा, नई गाड़ी लाने से यहाँ पूजा कराते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कुछ भी शुभ काम हो यहाँ एक बार आते हैं लोग दर्शन करने, पूजा कराने के लिए। पहले यही आना पड़ता, शादी का जैसे कार्ड छपवाए हैं तो वो भी पहले यही यहाँ दर्शन देना पड़ता है। अच्छा 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 जी, यहाँ से निकल के अभी कहाँ जाएंगे हम लोग इसके बाद? सांदीपनी आश्रम। ये पर्दे हटा लेना अपने, जो भी दिख रहा है पर्दे हटा लेना। ये अपन आ गए भैया रामघाट, आपके जो सीधे हाथ की तरफ आपको होंगे रामघाट के दर्शन। रामघाट इसलिए बोलते हैं कि जो राम भगवान आए थे उनके उनने पिताजी का जो पिंडदान करा था वो वही रामघाट पे करा था, जब से इसका नाम रामघाट हो गया। राइट, आपके जो उल्टा हाथ है उसकी तरफ आपको जिन्होंने 64 विद्याएं प्राप्त कर ली थी, 20 से 25 में आपके दर्शन हुए सामने ही है, इसमें जाएगा गाड़ी यही खड़ी गई। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার ভ্রাতা প্রভু বলরাম যেই স্থান থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সেই স্থানটি হল গুরু সন্দীপনী আশ্রম, এবং সেই স্থানে ওনাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন গুরু সন্দীপনী। আশ্রমটিকে বর্তমানে একটি মন্দিরের আকার দেওয়া হয়েছে। সর্বেশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত একটি মন্দিরও এখানে রয়েছে। প্রায় 6000-এরও বেশি পুরনো শিবলিঙ্গ এখানে দেখতে পাবেন। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস এই শিবলিঙ্গটি গুরু সন্দীপনী ও তার শিষ্যরা পুজো করতেন। আশ্রমের মধ্যে গোমতী কুণ্ড নামে একটি বিশাল জলাশয় রয়েছে। গুরুদেব সন্দীপনীর পুজোকে সহজ করার জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন পবিত্র প্রান্ত থেকে জল একত্রিত করে এখানে জমা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম খুবই অল্প সময়ে অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন, যা দেখে গুরু সন্দীপনী মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ওনার মনে হয়েছিল যে উনি সূর্যদেব ও চন্দ্রদেবকে শিক্ষা দিচ্ছেন। বিশ্বাস করা যায় না, মাত্র 64 দিনে দুই ভাই 64 কলা ও 14 বিদ্যার লাভ করেছিলেন, যার নিদর্শন মন্দিরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন। তাদের শিক্ষালাভ শেষ হওয়ার পরে ছিল গুরুদক্ষিণা দেবার পালা। গুরুদেব গুরুদক্ষিণা হিসাবে প্রভাসে সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া ওনার পুত্রকে পুনরুদ্ধার করতে বলেছিলেন। গুরুদেব জানতেন প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ও ওনার ভাই গুরুদেবের পুত্রের খোঁজে প্রভাসে পৌঁছান এবং সেখানে দেখেন সমুদ্রের তলদেশে শঙ্খাসুর দৈত্য গুরুদেবের ছেলেকে শাঁখের মধ্যে বন্দী করে রেখেছেন। প্রভু শঙ্খটিকে উদ্ধার করে যমের কাছে নিয়ে যান এবং যম শাঁখটি বাজিয়ে তার ভেতর থেকে গুরুদেবের পুত্রকে উদ্ধার করেন। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ গুরুদেবের পুত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে শাঁখটি নিজের কাছে রাখেন, যা এখন পঞ্চজন্য শঙ্খ নামে পরিচিত। मंगलनाथ मंदिर। ये पूरी जानकारी सुनने के बाद में उतरना।
बोलवा महाकाल की जय। आप लोग जिस मंदिर पे आए हो, यह मंदिर प्राचीन काल में आता है और मंदिर का जो उल्लेख है वो पुराणों में है। जैसे अपने हिंदू धर्म में 18 पुराण है, आपको जानकारी मिलेगा स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में। मेरी कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना, सभी लोग गौर तो सुनना, आपस में बात मत करना। आप लोग जिस मंदिर पे आए हो, यह मंदिर पूरे भारत और विश्व में का मात्र मंदिर है। और क्यों है? क्योंकि यह नव ग्रह में मंगल ग्रह का जन्म भूमि जन्म स्थान, जैसे शनि महाराज के जन्म स्थान है शनि सिंगापुर, इसी प्रकार से उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। अवंतिका जो है उज्जैन नगरी का पुराना नाम है। यहाँ पे शिव रूप में पूजा होती है महामंगल की। और आप लोग भारत में जितने भी शिव मंदिर दर्शन करने गए, महाकाल महाराज की कृपा से बहुत जगह गए होंगे, शिव जी का वाहन क्या देखते हैं? शिव जी के सामने आप लोग हमेशा नंदी नंदी को प्रणाम करते हैं। पर यह नंदी की जगह भेड़ का सवारी देखने को मिलेगा आपको। भेड़ यानी मेंढा, जो राजस्थान में पाया जाता है। और यह सवारी होने का कारण है कि महामंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। शनि को आप काली वस्तु चढ़ाते हो, जैसे लोहा उड़दा तेल तिल। भगवान मंगल को लाल चढ़ती है। लाल वस्तु में गेहूं मसूर की दाल, लाल कपड़ा, नरियल पुष्प, यह पंचम प्रकार का प्रसाद आपका नाम और जो भी मन में मनोकामना अपना गोत्र बोल के चढ़ेगा। नाम बोलते हो आपका लगेगा, गोत्र बोलते हो परिवार का लगेगा, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में गोत्र पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता है, इसलिए आप एक गोत्र का प्रसाद चढ़ाते हैं। और प्रसाद चढ़ाने मात्र से आपके और आपके परिवार के 21 परेशानियों का निवारण होता है। जैसे कि परिवार में किसी को शादी विवाह में रुकावट आती हो, बार बार रिश्ता बन जाना, टूट जाना, ज्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ो स्वभाव का होना, क्योंकि मंगल का जो रूप है अंगार के समान लाल है, ज्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ो स्वभाव का होना है, नौकरी पढ़ाई में दिक्कत आना, उसके लिए लाभदायक है। ब्लड का संचार होता है अपने शरीर में, उसके लिए लाभदायक है। आप मंदिर पे आए, मंदिर की विशेषता ये है, जो मंदिर बना कर्क रेखा स्थित मंदिर है, जैसे नाभि होती है इंसान की, ट्रैफिक ऑफ सेंटर पॉइंट। उज्जैन में आप आए, आपका प्रसाद तीन जगह चढ़ेगा, तीन जगह खाली हाथ नहीं जाते, विशेष करके नहीं जाते, महाकाल, काल भैरव, मंगलनाथ। ये तो चावल का बोरा भर के लाओगे उज्जैन में घर से, और हर मंदिर में एक एक चावल चढ़ाओगे, आपके चावल खत्म हो जाएंगे, मंदिर खत्म नहीं होंगे। बहुत मंदिर है महाकाल महाराज की नगरी में, पर तीन जगह खाली हाथ नहीं जाते हैं। और ये जो प्रसाद चढ़ेगा केवल अपने परिवार के मंगल कार्य के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए चढ़ेगा, ताकि जीवन में कोई मंगल कार्य ना हो, मांगलिक दोष ना है। एक परिवार का प्रसाद एक गोत्र का 100 रुपए का आएगा मात्र, जो नाम बोलना गोत्र बोलना चढ़ा देना। सब लोग दर्शन करेंगे, सभी को जय श्री महामंगल, सभी की यात्रा मंगलमय हो, एक बार भगवान का जयकारा लगाएंगे और सभी लोग साथ में लगाएंगे, बोले बाबा महाकाल की जय, मंगलनाथ की जय। समय 15 से 20 मिनट का, या भैया के पास हाथ धो लेंगे और हाथ धो के सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे, कोई भी खाली हाथ ना जाए। और एक विशेष बात ये है कि जिसको गोत्र बताना हो कश्यप बोल देना, कश्यप कॉमन गोत्र होता है। बोला महाकाल महाराज की जय, श्री महाकाल। আমার এই ভিডিওটা একটাই ব্লগে বানালে অনেকটাই লম্বা হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য আমাকে ভিডিওটার সেকেন্ড পার্টও তৈরি করতে হচ্ছে। ফার্স্ট পার্টটি এখানেই শেষ করার অনুমতি নিলাম। সেকেন্ড পার্টটি দেখার জন্য যারা এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের কাছে অনুরোধ, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করবেন। ভিডিওটা দেখার পর যদি আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন জাগে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করে একটা সুন্দর কমেন্ট করে আপনাদের ভালোবাসা জানাবেন, এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করারও অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।